इडली और मैदा मैंने ऑलरेडी ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मीठा थोड़ा ये मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा सॉल्ट मामूली सा और थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड करूंगी अब मैं इसको प्रॉपर मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको गूंद लूंगी गूंद के मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी अंदर कोई मैदा या पाउडर सूखा ना रह जाए इसका यही तरीका है कि जो आपके ये मोटी उंगलियों की जो ये चीजें हैं इनसे आप पुश करें उसको अंदर और इससे ये आप जितना आप इसको गूंदेंगे उतना सूजी फूल के जल्दी आएगी ये देखें बहुत ही जबरदस्त किस्म का डो बन गया है अब इसको मैं आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ दूंगी और ऊपर से कवर करके फिर हम नहीं आधे या पौने घंटे के लिए नहीं इसको हम दो घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ठीक है ऊपर से कवर करके चलें थोड़ी पतला बेलना है इसको और फिर आपको बता देंगे नेक्स्ट डे जबरदस्त ये बड़े बन चुके हैं ये देखें अभी हम इसको बनाएंगे और देखें कैसे बनता है ये हमने इसके अंदर पहले आप चाहें तो प्याज वगैरह भी दे सकते हैं चने यूज़ किए और अभी हमने इसके अंदर बॉयल आलू यूज़ किया और इसके साथ हम यूज़ करेंगे हरी चटनी थोड़ी हरी चटनी इसके अंदर ऐड की गई हरा धनिया पुदीना इसकी जो है वो मैंने घर पे ही बनाई ये है इमली की चटनी नॉर्मल ये तो पत्ती बताइए कैसे बनती है ये है बूंदी ये है पत्ती सूंगी आप ये खाएंगे तो बताएंगे कैसे ये टेस्ट करते हैं इसमें